हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। जैसा आप लोग जानते हैं, हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री की थर्ड यूनिट में हैं। तो आइए, आज हम लोग कोलिनर्जिक एजेंट्स यानी कि ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में जो ड्रग्स हैं, उसमें से पहला ड्रग है आपका एसिटाइल कोलिन। इसका सिनोनेम है मियोकोल। कहीं कहीं पर इसको एसिटाइल कोलिन क्लोराइड भी बोला जाता है। ये देखिए, .Cl- लगा हुआ है ना। तो पूरा स्ट्रक्चर वही है। ये क्वाटरनरी अमोनियम वाला पोर्शन हुआ, ये इथाइलीन ब्रिज हुआ, और ये पोर्शन हुआ आपका एल्कोक्सी ग्रुप वाला, एसिलोक्सी ग्रुप वाला। इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2-एसिटाइलोक्सी इथाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम, और इस क्लोरीन के लिए ये क्लोराइड। प्रॉपर्टी कैसी है? तो ये एक वाइट कलर का या ऑलमोस्ट वाइट, इसको आप ऑफ वाइट भी बुला सकते हैं, क्रिस्टलाइन पाउडर है, या तो कलरलेस क्रिस्टल्स भी आप बोल सकते हैं। ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। आई होप आप ये हाइग्रोस्कोपिक वर्ड समझते होंगे स्टूडेंट्स। कुछ सब्सटेंसेस हमारे ऐसे होते हैं जिनको अगर आप ओपन एयर में ऐसा रख दो तो ये एटमोसफियर के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इस तरीके के सब्सटेंसेस को हम हाइग्रोस्कोपिक नेचर के बोलते हैं। तो ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, स्लाइटली सॉल्यूबल, थोड़ा घुलता है मिथाइलिन क्लोराइड में, और वाटर और अल्कोहल में पूरा घुल जाता है, पूरा सॉल्यूबल होता है ना। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है? ये डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग है किसके लिए? मस्क्रिनिक्स के लिए, है ना। तो ये एक्शन कैसे देता है? कोलिनिस्टरेज को तोड़ करके, डिस्ट्रक्ट कर करके, है ना। अब देखिए, जैसे मान लीजिए अपन को पता चला हाइग्रोस्कोपिक है, तो मतलब हम लोग उसको ओपन में नहीं छोड़ सकते, तो स्टोरेज कंडीशन हो जाएगी वेल क्लोज्ड एम्प्योल्स, एयर टाइट कंटेनर्स एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, है ना। बिकॉज अगर आपने इसको थोड़ा भी खुला छोड़ा तो ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा। यूजेस क्या है इसके? पहला यूज है आपका ऑप्थेल्मिक ड्रग में यूज होता है। कहाँ भाई? जैसे मान लीजिए आँख के अंदर इंट्रा ऑक्यूलर सर्जिकल प्रोसेस है, वहां पर यूज होगा। कार्डियक डिप्रेसेंट की तरह यूज होगा, वेसल्स के डाइलेशन में यूज होगा। लक्राइमल मतलब कि जो आंसू है, या सेलिवरी मतलब जो हमारा सलाइवा है, और इस तरीके के अदर सिक्रीशंस को बढ़ाने में यूज होगा। नेक्स्ट ड्रग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है कार्बाकोल। इसका और एक नाम है कार्कोलिन। सेम स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स यहाँ पर भी। यहाँ पर बस एक चीज है, कार्बामेट ग्रुप जुड़ गया है, इथाइलिन ब्रिज हो गई आपकी, और ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, और ये क्लोराइड आयन। सेम तरीके से इसका नाम भी हो जाएगा कि एन के साथ 3 मिथाइल लगा, तो ट्राई मिथाइल इथेन अमोनियम क्लोराइड, है ना। अब ये भी कैसा दिखता है? ये भी आपका व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर है, हाइग्रोस्कोपिक है, वाटर में सॉल्यूबल है, स्पेरिंगली सॉल्यूबल है अल्कोहल में, इनसॉल्यूबल है एसीटोन में, है ना। इसका हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका हम लोग ईस्टर ऑफ कार्बमिक एसिड यानी कि जो कार्बामेट ग्रुप हमने बोला वो हो गया, है ना। इसके बाद यहाँ पर टर्मिनल मिथाइल ग्रुप होता है जिसको हम लोग अमीनो ग्रुप से रिप्लेस करते हैं, यानी कि ये वाला जो पोर्शन था उसको हमने रिप्लेस करा है अमीनो ग्रुप से यहाँ पर। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, मिथाइल यानी CH3 होता है, उसको हम लोग रिप्लेस यहाँ पर किए हैं NH2 से। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर डेवलप हुआ। इसका मैकेनिज्म कैसा है कि यहाँ पर आपको बोथ मस्क्रीनिक एंड निकोटिनिक दोनों रिसेप्टर मिलेंगे। ये दोनों को स्टिम्युलेट करता है, यानी कि निकोटिनिक को भी बढ़ाएगा और मस्क्रीनिक को भी बढ़ाएगा, ठीक है। और ये एसिटाइल कोलिन इस्टरेस को धीरे धीरे हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है। एसिटाइल कोलिन इस्टरेस की प्रेजेंस में ये धीरे धीरे हाइड्रोलाइज हो जाता है, यानी कि हाइड्रोलाइज होके टूट जाता है, ठीक है। इसका भी स्टोरेज स्टूडेंट्स कैसा होगा? वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। यूज सिमिलर आपका ग्लूकोमा को ट्रीट करने के लिए, मैनेज करने के लिए।
इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर यानी आँख के अंदर जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है आयरिस पीपल पे, उसको रिड्यूस करने के लिए, और जीआईटी मोटिलिटी मतलब हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की मोटिलिटी को भी अगर वो डिक्रीज हो चुकी है तो उसको ट्रीट करने के लिए, मतलब अगर हमारा जीआईटी का मोटिलिटी मूवमेंट डिक्रीज हो गया है तो ये उसको ट्रीट करेगा और इंक्रीज करेगा, मतलब नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है ये ड्रग, नॉर्मलाइज करता है ये ड्रग, है ना। सिंथेसिस देखिए आप, आपको कार्बामिक एसिड लेना पड़ेगा, कार्बामिक एसिड COOH और उसके साथ NH2, ये हो गया आपका कार्बामिक एसिड। इसमें आपने ऐड किया डाइक्लोरो इथेन, दो आपका कार्बन हुआ तो इथेन और दो बार क्लोरीन लगा था डाइक्लोरो इथेन। इसमें हम लोग रिमूव करेंगे HCl, कैसे HCl मिल रहा है स्टूडेंट्स आपको, ये वाला H और ये वाला Cl, ये जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, है ना। तो यहाँ से हम लोगों ने H लिया था और ये एक वाला क्लोरीन, इस तरह से ये HCl निकल गया। जैसे ही ये एक Cl निकल गया तो ये कार्बन का बॉन्ड खाली हो गया और ये ऑक्सीजन का बॉन्ड खाली हो गया, यहाँ पर आप अटैचमेंट देखिए इस तरह से बन गया, है ना। अब यहाँ पर हम लोग ऐड कराएंगे हमारा अमोनियम ग्रुप, कौन सा वाला, वो जो N जिसके साथ में तीन बॉन्ड्स पर CH3 थे, ठीक। यहाँ पर तीन बॉन्ड्स पे CH3 थे तो ये जो क्लोरीन अटैच था इसकी बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है, यानी ये जो आखिरी वाला CH2 था इसके साथ ये जो क्लोरीन अटैच था तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है। क्लोरीन जो है वो क्लोराइड आयन के फॉर्म पे सॉल्ट में अटैच्ड है, और ये जो CH2 के साथ जो एक खाली बॉन्ड डेवलप हुआ, यहाँ पर N और CH3 अटैच हुआ, N की तीन बॉन्ड ऑलरेडी थी और आपने फोर्थ बॉन्ड कार्बन से और जोड़ दी तो इसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज, और क्लोराइड जो है वो आयनाइज फॉर्म पे आपके सब्सटेंस में प्रेजेंट है, तो इस तरीके से ये बन गया आपका क्लोराइड सॉल्ट। नेक्स्ट जो थर्ड ड्रग हमको पढ़नी है दैट इज बीथेनेकॉल, इसका और एक नाम है यूरिकोलिन। सिमिलर स्ट्रक्चर आप स्टूडेंट्स यहाँ भी देखिए, ये आपका कार्बामेट वाला पोर्शन हुआ, ये इथाइल ब्रिज, ये क्वाटरनरी अमोनियम। यहाँ देखिए इथाइल ब्रिज में बीटा पर हमने सब्स्टिट्यूशन किया, तो हम ये सब्स्टिट्यूशन सार में पढ़ चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है, यहाँ देखिए ये आपका व्हाइट क्रिस्टलाइन हाइग्रोस्कोपिक पाउडर है, इसमें पॉलीमॉर्फिज्म होता है, थोड़ा सा ओडर अमीनिक होता है, अमीन की तरफ स्मेल करता है, वाटर में सॉल्यूबल होता है, अल्कोहल में सॉल्यूबल होता है और क्लोरोफॉर्म ईथर में इनसॉल्यूबल होता है। ये जो ड्रग है ये मेनली मस्क्रीनिक दिखाता है और निकोटिनिक की तरफ बहुत ही कम लो, ठीक है, और इसमें कोलिनेस्टरेज एंजाइम का कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे ये इनएक्टिवेट नहीं होता। तो बेसिकली ये ड्रग हमारा कैसा है, मोर टुवर्ड्स मस्क्रीनिक है एंड लेस टुवर्ड्स निकोटिनिक है, ठीक है। तो मोर टुवर्ड्स मस्क्रीनिक है ना, लेस टुवर्ड्स निकोटिनिक, ठीक। तो स्टोरेज कैसा है, वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। इसका यूज देखिए, रिलीफ यूरिनरी रिटेंशन, एज इन व्हाट, कि यूरिन जो है वो रिटेन नहीं होता, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन अगर किसी को प्रॉब्लम है वहां पर उसके रिलीफ के लिए आता है, यूरिन जो है वो रिटेन होगा थोड़ा। इसके बाद सर्जरी, कोई भी आपकी एब्डोमिनल सर्जरी है उसके डिस्टेंशन में यूज होता है। फिर पोस्ट वेगोटॉमी ऑफ गैस्ट्रिक ड्रग, यानी कि गैस्ट्रिक ड्रग से जो पोस्ट वेगोटॉमी होता है उसमें ये यूज हो जाता है। हैं स्टूडेंट्स दैट इज मेथाकोलिन, इसका और सिनोनिम है मिथाकोलिन क्लोराइड और प्रोविकोलिन। सेम स्ट्रक्चर आप देखिए यहाँ पर भी, ये जो कार्बन है और ये आपका इथाइलिन ब्रिज हुआ, ये CH3 मिथाइल हो गया, इस कार्बन पे ये सब्स्टिट्यूशन हुआ है और ये क्वाटरनरी वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। तो
ये भी कैसा होता है स्टूडेंट्स, व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर, हाईली डीलिक्विसेंट, इसका भी सेम है, बहुत जल्दी मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा। फेंट फिशी ओडर, मतलब जैसी मछली की खुशबू होती है, स्मेल होती है, तो वैसी फेंट, बिल्कुल हल्की फेंट, मतलब एकदम नाक के बराबर एकदम हल्की मछली की खुशबू इसमें से आएगी। ये न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक ना बेसिक, वाटर में, अल्कोहल में और क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल नेचर होता है। ये ड्रग जो होता है इसका भी आपके पास मस्क्रीनिक एक्शन ही होता है, और ये ड्रग एसिटाइल कोलीन एस्टरेज एंजाइम से हाइड्रोलाइज हो जाता है, टूट जाता है, और आपको एक प्रोलॉन्ग एक्शन देता है, मतलब लंबे समय तक इसका असर देखने को मिलता है। ये जो ड्रग है इसको भी आप वेल क्लोज एयरटाइट कंटेनर में रखते हैं। इसका यूज कहाँ कहाँ है, तो सबसे पहला यूज है आई ड्रॉप में, दूसरा यूज है पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज में, फिर तीसरा यूज है ग्लूकोमा में, और एक यूज है स्टूडेंट्स इसका, दैट इज रेनॉल्ड सिंड्रोम। तो ये रेनॉल्ड सिंड्रोम क्या है, तो ये एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसा सिंड्रोम है जहाँ पर बॉडी के कुछ ऑर्गन्स आपको एकदम ठंडे और नम लगेंगे, नम ऐसे सेंसेशन नहीं होगा, किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस में, किसी पर्टिकुलर कंडीशन में बॉडी का कोई एक पार्ट जो है वो एकदम ठंडा और सेंसेशन लेस लगेगा। तो वो जो कंडीशन है उसके ट्रीटमेंट में, रेनॉल्ड सिंड्रोम के ट्रीटमेंट में इसको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट ड्रग जो हमारे सिलेबस में है दैट इज पाइलोकार्पिन, इसका नाम है पिलीकर। देखिए ये स्ट्रक्चर आप है ना, यहाँ पर स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हुआ है, यहाँ पर इमिडाजोल की रिंग इन्वॉल्व हो गई है ना, तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा एक चेंज आपने ऑब्जर्व किया होगा, यहाँ पर एक दूसरी इमिडाजोल की रिंग है, फ्यूरान की भी रिंग है ना, तो ये एक चेंज है। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, ये वाइट या ऑलमोस्ट वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, आप बोल सकते हो कलरलेस होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है, वाटर में बहुत अच्छे से सॉल्यूबल होता है, अल्कोहल और वाटर में, है ना। अगर इस पर्टिकुलर ड्रग का हम लोग 5% सॉल्यूशन बनाए एक्वस वाला पानी में डाल के, तो उसका पीएच जो है 3.4 से 4.5, मतलब टूवर्ड्स एसिडिक होता है ना। मैकेनिज्म क्या है, ये टर्शरी अमीन कोलिनर्जिक ड्रग है, ये आपका मस्क्रीनिक रिसेप्टर के लिए एगोनिस्ट है, लेकिन कोई सिलेक्शन नहीं है इसका, ठीक है, M1, M2, M3, M4, M5 ऐसा कुछ नहीं है, ये मस्क्रीनिक रिसेप्टर का है, ठीक है, बट अटैचमेंट बेटर कहाँ है, M3 रिसेप्टर पे, जो कि स्मूथ मसल्स पे होते हैं, गट और ट्रैकिया और आई का कॉन्ट्रैक्शन करने के काम आते हैं ना। स्टोरेज क्या है, ये वेल क्लोज एयरटाइट कंटेनर में स्टोर होता है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। यूज कहाँ है, सी रेडियोथेरेपी के बाद अगर पेशेंट का माउथ ड्राई हो रहा है तो वहां पर इसको आप यूज करते हैं। किसी पेशेंट का ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट चल रहा है, कैसा, ओपन एंगल ग्लूकोमा का वहां पर, और किसी के आईज में लेक्राइमल फ्लूइड सिक्रीट नहीं हो रहा है, उसकी आई ड्राई है, तो ड्राई आई के ट्रीटमेंट में ये ड्रग यूज होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कुछ ड्रग थे आपके जो कोलिनर्जिक एजेंट्स की तरह काम करते थे। इसी में हम लोग एक दूसरी कैटेगरी को अब और पढ़ेंगे, दैट इज कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर। देखिए कोलिनेस्टरेज नाम का एंजाइम है, पूरा नाम बोलेंगे तो एसिटाइल कोलिनेस्टरेज, ये ड्रग्स इस पर्टिकुलर एंजाइम एसिटाइल कोलिनेस्टरेज को इनहिबिट करेगा, मतलब रोकेगा, यानी कि ये जो एसिटाइल कोलिन एंजाइम है, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज जो एंजाइम है, इसका काम क्या होता है, एसिटाइल कोलिन के एक्शन को टर्मिनेट करना, यानी कि रोक देना, ये एसिटाइल कोलिन जा रहा था, इसके एक्शन को रोक देना, इसके एक्शन को टर्मिनेट करना, तो ये टर्मिनेशन कौन कराता है, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम, है ना। तो ये जो नए ड्रग हम पढ़ने वाले हैं ये इस एसिटाइल कोलिन एस्टरेज को इनहिबिट करेंगे। अब इस इनहिबिशन से आपका एसिटाइल कोलिन का एक्यूमुलेशन बढ़ जाएगा, मतलब जमाव बढ़ जाएगा, और जैसे ही एसिटाइल कोलिन
इकट्ठा होता जाएगा, जमा होता जाएगा, इमीडिएटली उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स भी बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से ये इनडायरेक्ट एक्टिंग होगा, सीधी तरह से ना करके रिवर्स करते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप इसको एक तरीके से और समझिए। देखिए, जैसे सपोज हम लोग ये एंजाइम लेते हैं एसिटाइल कोलिन इस्टरेज, इसका काम था एसिटाइल कोलिन को रोकना। अब हमने इस एंजाइम को रोक दिया, अब क्या होगा, ये बढ़ जाएगा, एसिटाइल कोलिन बढ़ जाएगा। एसिटाइल कोलिन कहाँ बढ़ जाएगा, आपका आपके नर्व्स के टर्मिनल पे, है ना, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे इसकी क्वांटिटी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी, इमीडिएटली बायोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज भी बढ़ते जाएंगे, ठीक है। ये तरीका है इस ड्रग के काम करने का। तो इस कैटेगरी में पहली ड्रग जो हमको पढ़नी है, दैट इज फाइसोस्टिग्माइन सैलिसाइलेट। तो इसका और एक नाम है इसोप्टोसेरिन। ये देखिए आप इस स्ट्रक्चर को, है ना, ये स्ट्रक्चर है फाइसोस्टिग्मिन का। इसका प्रॉपर्टी कैसा है कि ये आपका वाइट और ऑलमोस्ट वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है, वाटर में अच्छी तरह सॉल्युबल है और अल्कोहल में फ्रीली सॉल्युबल है। इसको अगर हम वाटर सॉल्युबल सॉल्वेंट बना के रख दिए तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, दैट मीन्स हमको फ्रेश प्रिपेयर करना है, ठीक है। अगर आपने इस प्रिपेयर सॉल्वेंट को या ड्रग को एयर में ओपन छोड़ दिया तो इसका कलर वाइट से बदल के रेड हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये मॉइस्चर के साथ एक्सपोज हुआ और खूब जल्दी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका मैकेनिज्म कैसा है, ये एक रिवर्सिबल टर्शरी अमीन इनहिबिटर है। किसका, कोलिनिस्टरेज एक्टिविटी का। ये क्या करता है, ये एंटागोनिस्ट इफेक्ट देता है टॉक्सिक सीएनएस पे और एंटी मस्क्रीनिक एक्टिविटी पे। इजीली जीआईटी पर एब्जॉर्ब हो जाता है और बॉडी के अंदर ही हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस से टूट जाता है। इसको स्टोर आप कहाँ करेंगे, एयर टाइट ग्लास कंटेनर में लाइट से प्रोटेक्ट करके। मेन यूज इसका होता है ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर डिजीज, ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा और डिक्रीजिंग ऑफ इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, आँख के अंदर के प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए। इसका और यूज होता है एंटी डिप्रेसेंट और मायोटिक की तरह। तो ये कुछ ड्रग्स थे स्टूडेंट्स जो हमारे सिलेबस में थे। अभी कुछ ड्रग्स और हैं जो हमको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करने हैं, उनको हम नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर करेंगे। अगर आपको हमारे ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड करिए, वहाँ पर ये नोट्स अवेलेबल हैं। आइए आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट कोलिनर्जिक एजेंट है नियोस्टिग्मिन ब्रोमाइड। इसका एक और सिनोनेम है, दैट इज प्रोस्टिग्मिन। सेम स्ट्रक्चर में यही चीजें होंगी, जो आपका एन ग्रुप है कार्बोमेट की तरफ से लग जाएगा इथाइलिन चेन, फिर आपका ये क्वार्टरनरी अमोनियम, है ना। प्रॉपर्टीज क्या है कि ये वाइट कलर का ओडरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। टेस्ट थोड़ा सा इसका कैसा होता है, बिटर होता है, मतलब कड़वा होता है। वाटर में फ्रीली सॉल्युबल होता है, अल्कोहल में फ्रीली सॉल्युबल होता है और ईथर में इनसॉल्युबल होता है। और ना तो ये एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, दैट मीन्स इट इज न्यूट्रल टू लिटमस। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसा है कि इट इज़ अ कोलिनिस्टरेज इनहिबिटर। ये कोलिनिस्टरेज को इनहिबिट करता है। ये इनडायरेक्टली स्टिम्युलेट करेगा बोथ निकोटिनिक एंड मस्क्रीनिक रिसेप्टर को। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये इनडायरेक्टली स्टिम्युलेट करेगा, इनडायरेक्टली बढ़ा देगा, है ना। इट बाइंड्स टू द एनायनिक एंड ईस्ट्रिक साइट ऑफ कोलिनिस्टरेज, मतलब जो कोलिनिस्टरेज एंजाइम है उसका जो एनायनिक पोर्शन है वहाँ पर ये जुड़ता है और इसके बाद एसिटाइल कोलिनिस्टरेज की एक्टिविटी को ये रोक देता है। जैसी एसिटाइल कोलिनिस्टरेज की एक्टिविटी को ये रोकता है, आपका एसिटाइल कोलिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और डिजायर्ड एक्शन आपको मिल जाता है।
स्टोरेज कैसा है? वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट सिमिलर, जैसा कि आप हमेशा सारे ड्रग्स के लिए, मैक्सिमम ड्रग्स के लिए जैसा आप रखते हैं, है ना। यूज़ देखिए, ये है पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन, मतलब कोई ऑपरेटिव कंडीशंस हुई हैं उसके बाद की यूरिनरी कंडीशन जो है वो रिटेंशन की ख़त्म हो गई, यानी कि उस पेशेंट में यूरिन रिटेन नहीं होता, तो वो केस के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, और एक और चीज़ है जिसको बोलते हैं मिस्थेनिया ग्रेविस, इसके ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। तो स्टूडेंट्स, ये मिस्थेनिया ग्रेविस आपके लिए एक नया वर्ड है। इसका क्या मतलब होता है कि आप कि बॉडी का जो मस्क्युलर पोर्शन है, यानी कि जो मसल्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा रैपिडली, जल्दी जल्दी थकान और कमज़ोरी का एहसास होना, वो भी कब? जब कंट्रोल वॉलेंट्री हो, इच्छा अनुसार हो, तब। ये कंडीशन मिस्थेनिया ग्रेविस होती है। देखिए, ये ड्रग सिंथेसाइज कैसे होता है। हमने इसके लिए लेना है एम क्लोरो एन एन डाईमिथाइल अमीनो बेंजीन, है ना। एम क्लोरो मतलब मेटा पोजिशन पर क्लोरो ग्रुप, एन पे दो बार मिथाइल लगा है, तो एन एन डाईमिथाइल एन और बेंजीन, अमीनो बेंजीन, ठीक है। अब इसमें आपने के ओ एच डाला, के ओ एच डालने से आपका ये एच और ये सी एल, एच सी एल अलग हो जाता है, और ये के ओ जो है वो अटैच हो जाता है आपका सी एल की जगह पर, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पर हम लोग नया चीज ऐड करेंगे, दैट इज डाई मिथाइल अमीनो कार्बोनाइल क्लोराइड। जैसे हम ये न्यू चीज ऐड करेंगे डाई मिथाइल अमीनो कार्बोनाइल क्लोराइड, यहाँ पर ये के अलग होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, के और ये क्लोराइड का सी एल, तो के सी एल अलग हो गया, फिर ओ सी डबल बॉन्डो एन सी एच थ्री सी एच टू। नाउ हम लोग ऐड करेंगे सी एच थ्री बी आर, है ना, मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड ऐड करने से आपका जो ये एन टर्शरी था जिसमें तीन बॉन्ड्स थे, क्योंकि इसके दो मिथाइल ग्रुप थे और एक रिंग से, तो तीन बॉन्ड्स थे, वहां पर और एक मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा और ये क्वार्टरनरी में कन्वर्ट हो जाएगा और ब्रोमाइड सॉल्ट बना के सेपरेट आउट हो जाएगा। तो इस तरह से ये सिंथेसिस हुई आपकी। जो हमारा थर्ड कंपाउंड है स्टूडेंट्स, उसकी तरफ चलते हैं, और हमारा थर्ड कंपाउंड है पेरिडोस्टिग्मिन। पेरिडोस्टिग्मिन का और एक नाम है मेसिटोन, है ना। सेम स्ट्रक्चर रिजेंबल आप देख सकते हैं। इसके बाद इसमें आप देखिए, यहाँ एक थोड़ा क्वार्टरनरी को पहचान लीजिए, एन एक ब्रांच में सी एच थ्री लगा है, डबल बॉन्ड इस कार्बन से है, दो तीन हो गए, और एक ये वाला दूसरे कार्बन से चार, तो इस प्रकार से नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज हो गया, है ना। इसकी भी प्रॉपर्टी सेम है, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर है, टेस्ट बिटर है, वाटर एल्कोहल क्लोरोफॉर्म में सॉल्यूबल है, और ये भी हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है, साथ में हेक्सेन में स्लाइटली सॉल्यूबल है और ईथर में इनसॉल्यूबल है। इसका काम है एसिटाइल कोलिनिस्टरेज एंजाइम को ब्लॉक करना, एसिटाइल कोलिनिस्टरेज एंजाइम को ये ब्लॉक कर देता है, और साथ में एसिटाइल कोलिन के रिलीज को भी ये इनहिबिट कर देता है। इसका जीआईटी में एब्जॉर्प्शन जो होता है वो बहुत ही पुअर होता है, और ये यूरिन से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। स्टोरेज कंडीशन एयर टाइट, टेम्पर प्रूफ, लाइट प्रोटेक्टेड कंटेनर, और ट्रीटमेंट अगेन मिस्थेनिया ग्रेविस, है ना। ये एंटागोनिस्ट है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स का, और साथ में यूरिनरी सिस्टम के पोस्ट ऑपरेटिव स्टेज के मैनेजमेंट में यूज़ होता है। अगेन सेम वही यूरिनरी रिटेंशन के पोस्ट ऑपरेटिव में यूज होता है। जो हमारा एंड्रोफियम क्लोराइड, इसका और एक नाम है टेंसिलोन। यहाँ पर भी आप देखिए, आपने एक ग्रुप को C2H5 से रिप्लेस किया, बाकी सिमिलर चीज़ें, है ना। ये भी वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, वाटर और अल्कोहल में सॉल्यूबल होता है, और मिथाइलिन क्लोराइड में इनसॉल्यूबल होता है। देखिए, इसका भी मैकेनिज्म ऐसा ही है, ये क्वार्टरनरी अमोनियम कंपाउंड है, रिवर्सिबल इनहिबिटर है कोलिनिस्टरेज एक्टिविटी का। अगर इसको पेरेंट्रल रूट से दिया जाए तो आप
ऑनसेट ऑफ एक्शन बहुत ही रैपिड, बहुत ही क्विक मिलता है और शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी मिलता है। सिमिलरली इसको भी वेल क्लोज्ड एयर टाइट प्रोटेक्टेड कंटेनर में रखेंगे। इसका यूज़ कहाँ है? स्नेक बाइट उसके ट्रीटमेंट में, मिस्थेनिया ग्रेविस के डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट में नहीं डायग्नोसिस में। हमें पता करना है मिस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन है या नहीं वहाँ पर। तीसरा है आपका आर्टेरियल ट्राकिकार्डिया के केस में, ये एंटी अरेथमिक की तरह भी बिहेव करेगा। अब हमारा फिफ्थ जो ड्रग है दैट इज टैरकिन हाइड्रोक्लोराइड। इसका एक और सिनोनेम है टैक्रिन। ये स्ट्रक्चर है इसका, यहाँ पर ये भी वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, वाटर में फ्रीली सॉल्यूबल है, अल्कोहल ग्लाइकोल में सॉल्यूबल है और लिनोलिक एसिड में स्पेरिंगली सॉल्यूबल है, मतलब थोड़ा कम सॉल्यूबल है। ये कैसा है? ये भी एसिटाइल कोल एंटीकोलिनिस्टरेज जो है उसके लिए सेंट्रली एक्टिंग है, इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है, लीवर में मेटाबोलाइज होता है और इसका जो मेटाबोलाइट फॉर्म है वो एक्टिवेटेड होता है। इसको भी आप वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट रखते हैं। इसका यूज़ कहाँ है स्टूडेंट्स? तो माइल्ड टू मॉडरेट अल्जाइमर्स, मतलब अल्जाइमर्स डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज होता है। मेंटल अलर्टनेस को ये बढ़ाता है और रेस्पिरेटरी स्टिम्यूलेंट है, यानी रेस्पिरेशन को इंक्रीज करता है। कब? पोस्ट ऑपरेटिव केसेस में, यानी कि ऑपरेशन के बाद किसी पेशेंट का रेस्पिरेशन कम हो गया, रेस्पिरेटरी डिप्रेस हो गया है, तो उसको ये स्टिम्यूलेट करने के लिए यूजफुल होता है। आइए अगली ड्रग की तरफ चले। अगला ड्रग है हमारा एम्बोनियम क्लोराइड। इसका नाम एम्बोनियम है, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये भी आपका वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है जो फ्रीली वाटर सॉल्यूबल होता है। ये रिवर्सिबली इनहिबिट करता है एसिटाइल कोलिन इस्टरेज एंजाइम को। एसिटाइल कोलिन इस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करने से एसिटाइल कोलिन का हाइड्रोलिसिस रुक जाता है और ये कोलिन इस्टरेज इनहिबिटर की तरह बिहेव करने लग जाता है। इसको भी आप वेल क्लोज कंटेनर में रखते हैं प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। इसका भी यूज़ है मिस्थेनिया ग्रेविस के मैनेजमेंट में, यानी कि सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट में मिस्थेनिया ग्रेविस के आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ड्रग है हमारा दैट इज आइसोफ्लूरोपेट। आइसोफ्लूरोपेट का और वही नाम आइसोफ्लूरोपेट ही है। यहाँ पर आप देखिए आपका स्ट्रक्चर में फॉस्फोरस है और फ्लोरीन है, ये दो नई चीजें हैं। अगेन ये भी क्लियर दिखेगा, ये कलरलेस होगा लेकिन पेल येलो, फेंट येलो, बिल्कुल हल्का सा येलो हो सकता है, बट ये चीज एक ऑयली लिक्विड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड ना होकर के यहाँ पर आपको एक न्यू चीज मिल रही है, ऑयली लिक्विड। इसका ओडर जो है वो थोड़ा सा फ्रूटी होता है, कैसा? वीक फ्रूटी, मतलब बहुत हल्का सा एक्सेप्टेबल ओडर होगा। ये वेजिटेबल ऑयल्स में, ईथर्स में सॉल्यूबल होगा क्योंकि ये ऑयली है, बट मिनरल ऑयल्स में सॉल्यूबल नहीं होगा, है कम सॉल्यूबल होगा, लेयर नहीं बनेगी सेपरेट बट कम सॉल्यूबल होगा। तो मैकेनिज्म कैसा है? ये एक ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड है जो इरिवर्सिबल कोलिनिस्टरेज इनहिबिटर है, मतलब इसने अगर एक बार कोलिनिस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट कर दिया तो वापस से अलग नहीं होगा। इसमें पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स भी हैं और ये इरिवर्सिबल इनएक्टिवेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन के लिए भी काम करता है, मतलब एक बार इनहिबिशन कर दिया तो फिर ये रिवर्स नहीं हो सकता। सिमिलरली आप वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर में प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट इसको रखते हैं। इसके बाद में इसका जो यूज है वो ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा और अदर आई कंडीशंस है। इसका और एक यूज है, इट इज एडिटिव फॉर प्रोटीन और सेल आइसोलेशन प्रोसीजर। अगर हमको प्रोटीन आइसोलेट करना है तो वो केस में भी ये ड्रग हमारी हेल्प करता है। जो नेक्स्ट हमारा ड्रग है दैट इज इकोथायोपेट आयोडाइड। फिर से यहाँ पर फॉस्फोरस है, सल्फर है और आयोडीन भी है।
है ना, ये भी वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है विच इज सॉल्यूबल इन वाटर। सेम थिंग है, ये इरिवर्सिबल एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर है, जो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम है उसका इनहिबिटर है। कैसा? इरिवर्सिबल, एक बार कर दिया तो अब चेंज नहीं होगा। ये एक पोटेंट लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है, इसका रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस थोड़ा स्लो है। हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस धीरे होगा तो ड्रग की एक्टिविटी ज़्यादा लंबे समय तक रहेगी। इसको भी हम वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। इसका यूज़ ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा और ट्रीटमेंट ऑफ ऑक्यूलर हाइपरटेंशन, यानी आपके अंदर अगर हाइपरटेंशन की कंडीशन है तो उसको ट्रीट करने के लिए आप इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ड्रग जो है आपके पास, दैट इज़ पैराथियॉन। पैराथियॉन का और एक नाम है फॉलीडॉल। ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं इसका, ये भी पेल येल्लो और हल्का ब्राउन, पेल येल्लो टू ब्राउन लिक्विड होता है। इसमें एक पर्टिकुलर गार्लिकी ऑडर होती है, मतलब जैसा लहसुन का स्मेल होता है वैसा ये स्मेल करता है। ये वाटर में इनसॉल्यूबल है और ईथर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्यूबल है। ये इनडायरेक्टली एसिटाइल कोलेन एस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, लीवर में मेटाबोलाइज होता है और ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन को फॉलो करता है। इसको भी आप वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। यूज इसका क्या है, ये ऑर्गेनोफॉस्फेट एक पेस्टिसाइड की तरह काम करता है। कॉटन का जो पूरा एग्रीकल्चर है या फ्रूट के जो ट्रीज हैं उनका जो एक एग्रीकल्चर है, वो जगह पर ये इंसेक्टिसाइड्स की तरह भी हमारे लिए हेल्पफुल होता है। जो नेक्स्ट ड्रग है दैट इज मैलाथियन, ये मैलाथियन हमारी नेक्स्ट ड्रग है। तो जो मैलाथियन ड्रग है उसका और एक नाम है मरकैप्टोथियॉन। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है मरकैप्टोथियॉन का, ये भी एक येल्लोइश टू पेल ब्राउन कलर का लिक्विड होता है। इसका भी ओडर अनप्लीजेंट है, नॉन एक्सेप्टेबल ओडर है। वाटर में इनसॉल्यूबल है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्यूबल है। सिमिलर है ये भी, ये कोलिन एस्टरेज का इनहिबिटर है जो कि इरिवर्सिबल है, पैरासिम्पैथोमिमेटिक है। ये सेरीन रेसिड्यू से जुड़ता है कोलिन एस्टरेज एंजाइम के प्रेजेंस में और इरिवर्सिबली डीएक्टिवेट कर देता है एंजाइम को। इसका यूज होता है हेड लाइस के ट्रीटमेंट, मतलब जो सिर में जुए हो जाते हैं और जो उसके ओवम होते हैं उन सब के ट्रीटमेंट में, स्कैबीज के ट्रीटमेंट में और इंसेक्टिसाइड की तरह। सिमिलर स्टोरेज है एयर टाइट कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। इसके बाद स्टूडेंट्स, एक और कैटेगरी है विच इज नोन एज इरिवर्सिबल ब्लॉकर्स। इसके अंदर एक ही ड्रग है आपकी पैरलीडोक्साइन क्लोराइड, इसका दूसरा नाम पैरलीडोक्साइन ही है। सेम यहाँ पर भी स्ट्रक्चर कैरी होता है। ये जो पैरलीडोक्साइन है इसकी प्रॉपर्टी कैसी है, ये वाइट से पेल येलो क्रिस्टलाइन पाउडर है, ओडरलेस है, सॉल्यूबल इन वाटर है। ये ड्रग कोलिन एस्टरेज एंजाइम को रीएक्टिवेट करता है। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ये कोलिन एस्टरेज एंजाइम का रीएक्टिवेशन है ना। यहाँ पर अल्काइल फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ कोलिन एस्टरेज जो होते हैं वो फ्री होते हैं और वहाँ पर ये एंजाइम रिएक्ट करता है। इसके बाद में ये ड्रग जो है एनायनिक साइट ऑफ एंजाइम से जुड़ता है और साथ में उसके फॉस्फेट को रिप्लेस करवा देता है सेरीन से। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए एक और बार समझते हैं इसको हम, कि जैसे मान लीजिए कोलिन एस्टरेज एंजाइम, ये उसको रीएक्टिवेट करता है। एक बार कोलिन एस्टरेज था वो डिप्रेस हो गया और वापिस से एक्टिवेट हुआ, तो रीएक्टिवेशन। तो रीएक्टिवेशन किस प्रकार से होता है, तो एल्काइल फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस होता है। एल्काइल फॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस में जो हमारा कोलिन एस्टरेज एंजाइम है उससे जुड़ाव हो जाता है। ये जुड़ाव जो है ये एंजाइम के एनायनिक साइट से होता है और साथ में जो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है वो रिमूव हो जाता है और सेरीन ग्रुप जो कि हमारा प्रोटीन हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, वो
जुड़ जाते हैं। जैसे ही अमीनो एसिड्स के साथ अटैचमेंट होता है, इमीडिएटली जो है ये जो कोलिन एस्टर सप्रेस्ड था वो आपका रीएक्टिवेट हो जाता है, बढ़ जाता है ना। तो ये जो ड्रग है ये एयर टाइट वेल क्लोज कंटेनर में रखते हैं प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। इसका यूज़ कहाँ है, देखिए अभी हमने एक ड्रग पढ़ी थी पैराथियन, ये पैराथियन का एंटीडोट है। दूसरी बात है पेस्टिसाइड्स के कंजम्पशन से अगर पॉइजनिंग हुई है तो उसके लिए भी ये एंटीडोट है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स के कंजम्पशन की वजह से जो पॉइजनिंग हुई है उसके ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। अगर किसी पेशेंट को एंटीकोलिनेस्टरेज ड्रग का ओवरडोज हो गया है तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स को ट्रीटमेंट में भी ये यूज़ होता है। तो सॉर्ट ऑफ आप अगर यूजेस के थ्रू भी समझेंगे तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये ड्रग एंटीडोट है, मतलब आपने कुछ ऐसा किया जिससे ज़रूरत से ज़्यादा कोलीन आपका एसिटाइल कोलीन सप्रेस हो गया है, बुझ गया है, डल हो गया है, तो ये ड्रग जाएगा और उसको वापस से स्टिम्युलेट कर देगा, रीएक्टिवेट कर देगा, है ना। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा रिमेनिंग पोर्शन कोलिनर्जिक ड्रग्स का। अब आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर ये नोट्स अवेलेबल है। देन थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।